देखिए 12 तारीख को ग्राम मिल्कीपुर थाना राजा तालाब में एक बंद मकान में 300 मिले थे, जिसमें 50 वर्षीय महिला रानी गुप्ता, उनकी लगभग 30 वर्ष की शादीशुदा बेटी पूजा गुप्ता और उनका 23 वर्ष का बेटा मोहन गुप्ता, ये तीनों के शव घर में मिले थे। घटना 9 तारीख की थी, शव की बरामदगी 12 तारीख को हुई थी और उल्लेखनीय ये था कि जो रानी गुप्ता मृतका थी उनके पति और बड़ा बेटा दोनों अपने पत्नी के चाल चलन से छुप धो करके अपना मकान 6 साल पहले छोड़कर पनियरा गांव में जाके रहने लगे थे। आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ कि पिछले 3 दिनों से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भोला गुप्ता और उनके बड़े बेटे को बुलाया था, उनसे दरवाज़ा खुलवाया गया तो अंदर तीनों शव मिले थे और जाँच के क्रम में पाया गया कि जो मृतका पूजा गुप्ता है, जो बेटी थी रानी गुप्ता की, उसके पति अरविंद गुप्ता के द्वारा हत्या की घटना की गई थी। उसका भी अपनी पत्नी के चाल चलन को लेकर के उससे लगातार विवाद चल रहा था। एक मनोज मिश्रा और फल्गु नाम का ओझा है जो भूत प्रेत भगाने का धंधा करता है, उसी के ऊपर रानी गुप्ता के साथ भी अवैध संबंध का शक रानी गुप्ता के पति भोला का था और पूजा गुप्ता के पति अरविंद को भी उसी पर शक था। इसी वजह से इनकी पत्नी पूजा गुप्ता अपनी ससुराल में न रह करके ज़्यादातर समय मायके में रहती थी और लगभग पिछले 1 वर्षों से लगातार रह रही थी। घटना के दिन शाम को 5-6 बजे के आसपास अपनी सास से रानी गुप्ता से दामाद अरविंद का विवाद हुआ। विवाद के क्रम में अरविंद गुप्ता ने बांस से प्रहार कर उनके सिर पर किया, जिससे हेड इंजरी की वजह से गिर गई। इनकी पत्नी पूजा गुप्ता अंदर से हसुआ लेकर के इनकी ओर दौड़ी, इन्होंने उसी बांस से उनके ऊपर भी प्रहार किया जिसमें वो गिर गई, उसकी मौत हो गई। पूजा गुप्ता का भाई मोहन गुप्ता जो बाहर मोबाइल किसी से बात कर रहा था, शोर सुनकर के अंदर आया और कुर्सी लेकर इनकी ओर दौड़ा तो इन्होंने उसी बांस से प्रहार करके उसे भी घायल कर दिया और फिर जो हसुआ था उसी हसुए से अपनी पत्नी और साले दोनों के गर्दन पर चोट पहुंचा करके ये सुनिश्चित कर लिया कि ये तीनों मर चुके हैं। फिर अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर के वहाँ से पलायित हो गया। वजह क्या था, भूत प्रेत को लेकर के ये हत्या किया गया है या क्या है? नहीं देखिए, वजह भूत प्रेत तो एक बहाना मात्र है, जो इसमें पूजा गुप्ता इनकी पत्नी है उसके चरित्र को लेकर इनको शक था और वो अपनी ससुराल में लगातार रहती थी तो लड़ती रहती थी या उसके ऊपर भूत प्रेत आ जाते थे कथित रूप से और ओझा को बुलाया जाता था, उसी ओझा के साथ उसके अवैध संबंधों के शक में और लगातार परिवार में दाम्पत्य विवाद चल रहा था। उसी क्रम में वो विवाद में बात बढ़ते बढ़ते पहले बात झगड़े से शुरू हुई और उसका अंत जो है हत्या में हुआ। जो दो गिरफ्तार हुए थे पहले ओझा और एक लोग और, उनकी कोई भूमिका इस हत्या में नहीं पाई गई। ओझा को भी शक के आधार पर नामजद जो है कराया गया था रानी गुप्ता के पति भोला गुप्ता के बेटे दीपक के द्वारा, लेकिन जांच में किसी प्रकार का कोई रोल उसका इस मर्डर में नहीं पाया गया। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास? देखिए, इनकी निशानदेही पे वो बांस बरामद हुआ है, हसुआ बरामद हुआ है और इन्हीं दोनों का उपयोग इस हत्याकांड में किया गया था। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।